कि दिल्ली में कोचिंग की घटना आपको याद होगी, तीन लोगों की जान चली गई। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सजग है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जाइए कोचिंग का परीक्षण कीजिए, पड़ताल कीजिए कि वहां पर तो नहीं चल रही है बेसमेंट में क्लासेस। आज भोपाल में अधिकारी पहुंचे और बेसमेंट में चल रही कोचिंग के सेंटर्स को सील किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोचिंग अकेडमी जो तमाम अलग अलग प्रोफेशनल और तमाम सरकारी नौकरियों की तैयारी कराती है, जहां बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी उनको सील किया गया है। जिला प्रशासन नगर निगम की टीम ने कोचिंग को सील किया है, बेसमेंट में क्लासेस लगाई जा रही थी। यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद राजधानी में प्रशासन हरकत में आ गया है और राजधानी के सभी उन कोचिंग क्लासेस की पड़ताल की जा रही है जो या फिर बेसमेंट में चल रहे थे या फिर वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये वही कोचिंग क्लासेस है जिसे फिलहाल प्रशासन ने बंद कर दिया है और इसी बेसमेंट पे, ये बेसमेंट का रास्ता था जाने का, जिसे प्रशासन ने फिलहाल बंद कर दिया है। और भी कई कोचिंग क्लासेस की तरफ गए थे और उनको भी बंद करने की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है भोपाल में और कौन कौन से इलाकों को अभी तक सील किया गया है, कौन कौन से कोचिंग सेंटर इनको सील करने की कार्रवाई की गई है? एमपी नगर में हमारे अनुभाग में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर भोपाल साहब के आदेश पर ये कार्रवाई हम कर रहे हैं और फिलहाल हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमने प्राथमिकता में लिए हैं जो हमारे बेसमेंट में क्लासेस संचालित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, परमिटेड है नहीं है। फायर ऑडिट भी हम देख रहे हैं, लिफ्ट ऑडिट भी हम देख रहे हैं और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए भी हमारे साथ नगर निगम से भी अधिकारी हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के भी अधिकारी हैं, बीडीए के भी अफसर हमारे साथ हैं। फिलहाल कितने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया? दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर कि हमने जाँच करके कार्रवाई करी है। कुछ लोगों को नोटिस भी जारी, इसके बाद जारी करेंगे। तो ये आपने सुना SDM MP नगर थे जो कह रहे थे कि अब सील करने की प्रक्रिया भी हुई है और इसके बाद आगे उनको नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो भोपाल में तो कार्रवाई हो गई है, उधर इंदौर में विस्तार न्यूज की टीम कोचिंग सेंटर पहुंची, वहां पर स्थिति क्या रही, क्या बेसमेंट में क्लासेस चल रही है नहीं, देखिए। इंदौर में जो लाइब्रेरीज है, कोचिंग सेंटर्स है, उनकी क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। हम मौजूद है सपना संगीता रोड पर, यह प्रेम प्लाजा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यह बिल्डिंग का बेसमेंट है और इस बेसमेंट के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अध्ययन लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पर लाइब्रेरी है, वो बेसमेंट से भी बेसमेंट में है। ये आप अंदर देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्था है, तमाम बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पर फर्नीचर्स हैं। ये स्टूडेंट से हम इन लोग से भी बात कर लेते हैं। अभी तक वैसी कोई ऐसा सिचुएशन निर्मित नहीं हुई कि रिस्क ही लगे जी। ना अभी तक कोई ऐसा पानी का जल भराव आज तक हुआ नहीं है। और दिल्ली में एक्चुअली क्या है कि आप पानी का जल भराव देखो तो रोडों पे हमेशा नॉर्मली होता रहता है, यहाँ पे कभी जल भराव हमने देखा नहीं है आज तक। और ये अब देखो बारिश यहाँ इंदौर में ठीक ठाक होती है, उसके बावजूद भी आज तक हम सीढ़ियों से ज़्यादा खास पानी आया नहीं है नीचे। हादसे के बाद ही आखिर क्यों जागृत होते हैं और वो भी दिखावटी कार्रवाई की जाती है। संभव है कि इस लाइब्रेरी को दो चार दिन के लिए बंद कर दिया जाए लेकिन बाद में फिर खुल जाए और वही नतीजा ढाक के तीन पात। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। जल्दी से अगली तस्वीर आप देख लीजिए रीवा की, क्योंकि यहां पर भी विस्तार न्यूज की टीम कोचिंग सेंटर पहुंची है। तस्वीर क्या देखने को मिली है आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रीवा में प्रशासन अलर्ट है। हैरानी की बात लेकिन यह है कि जिला स्कूल निरीक्षक के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके बाद में हर नगर निगम को ये सूचना दी गई है शासन के द्वारा कि हम जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, जो भी बेसमेंट्स है, उसका एक बार सर्वे कराएं। नियम के आधार पर जो भी परमिशंस दी गई है उसको छोड़ के अगर उसके विपरीत किसी ने कुछ निर्माण किया होगा या उसके विपरीत अगर कुछ कार्य या कोई संचालन किया जा रहा होगा तो उसमें नियमानुसार हम कार्रवाई करें। रीवा के जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित किए जाते हैं। चौथा फ्लोर है लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये सीढ़ी आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी है जहाँ पर जाने और आने का दोनों का रास्ता इन दो सीढ़ियों से ही होकर गुजरता है। और ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित किए जाते हैं लेकिन व्यवस्था कितनी प्रॉपर है। पार्टीशन किए गए हैं, देख सकते हैं कि पार्ट बाई पार्ट बनाकर बच्चों को यहाँ पर स्टूडेंटों को शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ कुछ संस्थान के मालिक भाई, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले तो ये जानना चाहूँगा क्योंकि चौथे फ्लोर में है और किस तरह की एंट्री और एग्जिट की व्यवस्थाएँ आप लोग करते हैं? जैसे इसमें दोनों तरफ से रास्ते हैं, आपके आगे से रास्ता है, पीछे से रास्ता है,
तो गर्मी में एसी वगैरह की व्यवस्था रहती है, कूलर वगैरह की व्यवस्था रहती है। तो देखिए कि अलग अलग कोचिंग संस्थानों में अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जगह बहुत कम है। एंट्री और एग्जिट के अलावा ना तो बहुत बड़ी सीसीटीवी की कोई व्यवस्था है, वाटर ड्रिंकिंग की भी व्यवस्था नहीं है, और फायर सेफ्टी की व्यवस्था, कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फायर सेफ्टी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं की गई है। या तो कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण लगातार विस्तार न्यूज भी कर रहा है, देखने की कोशिश बता रहा है, और आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कोचिंग मध्य प्रदेश में किस तरह से संचालित हो रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली की घटना से क्या सबक लिया गया है, क्या अपडेट है इस खबर में, आइए आपको वो बता देते हैं। अपडेट आप ये देखिए कि सीएम के आदेश के बाद ये पूरे मध्य प्रदेश में पड़ताल हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सीएम ने आदेश दिया, भोपाल और इंदौर में बेसमेंट में कोचिंग चलती हुई नजर आई हैं, अभी भी कोचिंग चल रही है बेसमेंट में। भोपाल में तो कार्रवाई हुई है, इंदौर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, ये अपडेट है इस खबर में जिसको लेकर लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और खास बात ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी अधिकारी अलग अलग शहरों में पड़ताल कर रहे हैं।